Hello guys, today I am going to share with you use of able to. Able to का मतलब किसी चीज को करने के लिए सक्षम होना, यानी किसी चीज को करने के लिए लायक होना, योग्य होना। जैसे वह क्रिकेट खेल लेता है, यानी वह क्रिकेट को खेलने में योग्य है, सक्षम है। मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, आप खाना बना लेते हो, मैं चाय बना लेती हूँ। सो दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सो गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद आप इज एम आर तीनों में से किसी एक को लिखना है, फिर इसके बाद आप एबल टू का यूज करेंगे, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों, ही सी इट और सिंगुलर नाम के साथ आप इज का यूज करेंगे, एंड वी यू दे प्लूरल नाम के साथ आप आर का यूज करेंगे, एंड आई के साथ आप एम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह क्रिकेट खेल लेता है, ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट, ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट। आप खाना बना लेते हो, यू आर एबल टू कुक फूड, यू आर एबल टू कुक फूड। मैं चाय बना लेती हूँ, आई एम एबल टू मेक टी, आई एम एबल टू मेक टी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आसानी से आप तक पहुंच सके। वह बाइक चला लेता है, आप गाना गा लेते हो।